ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या होते हैं कि जिसमें इनपुट सिग्नल तो हम वोल्टेज में लेते हैं लेकिन जो आउटपुट सिग्नल आता है वो करंट में आता है, ये होता है हमारा ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। जो एम्पलीफायर होता है, जो आउटपुट जो हमारा ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर होता है, ये प्रोवाइड करता है हमारा आउटपुट करंट जो कि प्रोपोर्शनल होता है हमारे सिग्नल वोल्टेज के जो कि हम इनपुट पे देते हैं। एक आइडियल ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, जो वो क्या करता है, उसका जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो दोनों इनफाइनाइट होते हैं। और जो ट्रांसकंडक्टेंस है इसमें एक जो इनपुट है वोल्टेज को इनपुट पे लिया है, आउटपुट पे करंट को लिया है, इसलिए इसे ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर बोला जाता है। जैसे कि हमने इनपुट पे क्या लिया है, वोल्टेज, इनपुट पे हम वोल्टेज का यूज़ करते हैं और वोल्टेज में जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो रेजिस्टर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, सोर्स रेजिस्टर, और ये हमारा इनपुट रेजिस्टर है। और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्ट जो आएगी वो वोल्टेज होगी क्योंकि हम इनपुट पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी वो इन रेजिस्टर में से जाएगी। और आउटपुट पे हमने करंट का यूज़ किया है तो करंट के लिए करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसके लिए हम रेजिस्टर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टेज के लिए हम रेजिस्टर हमेशा सीरीज में लगाते हैं लेकिन करंट की बात आ जाए तो पैरेलल में लगाते हैं। और यहाँ पे हम ट्रांसकंडक्टेंस के लिए जी एम का यूज़ किया गया है। और ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा एम्पलीफायर होता है, ये एम्पलीफाई करता है हमारे वोल्टेज को, जो वोल्टेज इनपुट से जाती है और आउटपुट पे हमारे पास करंट आता है, और जो करंट आएगा वी आउटपुट इज इक्वल टू आई एल, लोड करंट के इक्वल होगा। इसमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी सोर्स रेजिस्टर से, सेम आउटपुट रेजिस्टर की वैल्यू लोड रेजिस्टर से ज़्यादा होगी। ये क्या होगा, ट्रांसकंडक्टेंस में इनपुट रेजिस्टर और आउटपुट रेजिस्टर इनफाइनाइट होता है और जो इनपुट वोल्टेज होगी वो नियर इक्वल होगी हमारी सोर्स वोल्टेज के, जो वोल्टेज यहाँ से जाएगी वो नियर इक्वल हमारे इनपुट वोल्टेज के होगी। और जो हमारा लोड करंट है वो आउटपुट करंट के इक्वल है। और ये दोनों, ये जो हमारा लोड करंट आया है ये किसके इक्वल होगा, हमारा जी एम वी इन, यानी कि जी एम जो कि हमने ट्रांसकंडक्टेंस के लिए यूज़ किया है सिंबल, और इनपुट वोल्टेज और वी इनपुट किसके इक्वल है, हमारे सोर्स वोल्टेज के, यानी कि यहाँ पे हम वी इन की जगह वी एस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम वी एस लगा देंगे, यानी कि आई एल जो लोड करंट है इज इक्वल टू आउटपुट करंट के है, जो इज इक्वल टू क्या है, जी एम वी एस के, यानी कि ये हमारे ट्रांसकंडक्टेंस है जिसमें हमारे आउटपुट जो इनपुट रेजिस्टेंस है और आउटपुट रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट वैल्यू पे है, और इनपुट पे हमारा वोल्टेज आता है और आउटपुट से हमें करंट मिलता है एम्पलीफाई होके। तो हमारा जो जी एम है उसको हमने क्या किया है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लोड करंट अपॉन में वी एस, ये एक तरह से गेन है हमारा ट्रांसकंडक्टेंस का, ये गेन शो करता है, यानी कि लोड करंट अपॉन सोर्स वोल्टेज, क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हमारा गेन, तो इन्होंने लोड करंट और सोर्स वोल्टेज जो हमारे सोर्स वोल्टेज है इसकी रेशियो को डिनोट किया है जी एम से। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल होता है वो करंट में होता है और जो आउटपुट सिग्नल होता है वो होता है वोल्टेज में, जो कि ऑपोजिट होता है ट्रांसकंडक्टेंस के। जो एम्पलीफायर होता है वो प्रोवाइड करता है आउटपुट वोल्टेज को जो प्रोपोर्शनल होती है हमारे सिग्नल करंट के, क्योंकि हम आउटपुट पे वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज आउटपुट में आएगी और इनपुट पे हमारा करंट जाएगा। और एक आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसकी ज़ीरो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस ज़ीरो होते हैं और ट्रांसकंडक्टर्स में दोनों इनफाइनाइट होते हैं। हमारा क्या था, इनपुट पे करंट था, करंट की बात करते हैं तो हमारा रेजिस्टर हमेशा पैरेलल में लगता है, और वोल्टेज की बात करते हैं तो रेजिस्टर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। यहाँ से हमारा सोर्स करंट जाएगा और यहाँ से हमारा इनपुट करंट आएगा इनपुट रेजिस्टर्स के थ्रू, और ये सिग्नल एम्पलीफाई होके हमारा आउटपुट पे आएगा, और जो सिग्नल आएगा वो वोल्टेज में होगा क्योंकि आउटपुट में हम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है बीच में,
ये सारी शो कर रही हैं एम्पलीफाई पे, यानी बीच वाला सर्किट ये हमारा एम्पलीफाई करेगा हमारे सिग्नल को, करंट को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे वोल्टेज सिग्नल शो करेगा। और आर एम ये ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया गया है, और जो हमारा यहाँ पे आई इनपुट है यानी जो करंट आया है वो उसको शो कर रहा है, और जो आउटपुट पे जो आउटपुट आएगी वो वोल्टेज में ही आएगी। इसमें क्या जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, क्या इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होने चाहिए। अगर ये जीरो होंगे तो मतलब ये वाला सोर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू इनपुट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। सेम कंडीशन, लोड रेजिस्टर की वैल्यू आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो जीरो होना चाहिए, और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी लोड रेजिस्टर के कंपैरिजन में। और जो यहाँ पे इनपुट करंट होगा वो नियर इक्वल होगा हमारे सोर्स करंट के, सोर्स करंट है नियर इक्वल इनपुट करंट के ही होता है, क्योंकि ये सेम करंट जाता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो लिटिल फीडबैक की वजह से होता है। और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, जो रोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो किसके इक्वल होगी, आर एम आई इनपुट, यानी कि आर एम हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस को शो किया गया है, और ये इनपुट करंट, और इनपुट करंट किसके इक्वल है हमारा सोर्स करंट के। तो यहाँ पे हम आई एस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम इसको यूज़ करेंगे आर एम आई एस। और हमारी जो रेशियो क्या होती है यानी कि जो हमारा गेन होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये ट्रांस कंडक्टेंस का गेन है जिसके लिए हमने आर एम यूज़ किया, ट्रांस रेजिस्टेंस क्या है जिसके लिए हमने आर एम यूज़ किया है। तो हमारे पास आउटपुट वी आउटपुट, यानी जो आउटपुट आएगी वोल्टेज पे वो अपॉन में आई एस जो हमारे करंट इनपुट से गया है, इनकी रेशो को गेन बोला गया है, ये गेन होता है हमारे ट्रांस रेजिस्टेंस का। यह है हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस जिन पे इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों ज़ीरो होते हैं।